वापस वो कहेंगे कि ठीक है कम से कम एक तिहाई ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये एक्सपीरियंस जिनको यह अनुभव प्राप्त होगा। मैं पिछले दफ्ता अमेरिका में मित्रों के साथ ऐसे बैठे हुए तो ये कहने लगे कि हमारे यहाँ जो भारतीय आकर के बसे हैं वो उनके बच्चे जब जवान होने लगते हैं तो उनका लड़का जब डेटिंग करता है डेटिंग बात समझ रहे होंगे अभी जो राष्ट्रपति क्लिंटन के जो चर्चा चली है उसमें डेटिंग बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए डेटिंग बड़ा नहीं होना चाहिए ये वर्णन आता है। तो डेटिंग करता है मतलब किसी अपने उम्र की या अपने बराबर की किसी कन्या के साथ स्वच्छंद रूप से जा करके कहीं रहना नहीं राजनीति बसेरा करना ये जो डेटिंग का परिचय है ये उनको लगता है। और उनको जब ये लगता है कि अपना लड़का जवान हो गया है और वो अमरीकी लड़कियों के साथ डेटिंग करने लगा है तो बड़ी अपनी मौसम पड़ता देकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन जब उनकी अपनी कन्या इस अवस्था की होती है और बहुत किसी के साथ डेटिंग करने जाती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो मैंने कहा ये आप रेणुका जी कहते थे कि अगर बर्फी का टुकड़ा सामने रखा है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है और आपको बोलते हैं कि इसकी लंबाई खाकर चौड़ाई मत खाना तो आप नहीं खा सकते फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों साथ खाएंगे। इसलिए यदि आपको इस जीवन में एक पहलू पसंद आता है तो दूसरा पहलू उसके साथ आएगा परछाई के तौर पर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उस रूप में। ये जीवन शैली जहाँ पर है वहां पर आज उनके पास अपना इतिहास क्या है। आप अमरीका जाइए आपको 3 सदियों से ज्यादा पुरानी चीज कोई आपको दिखाई नहीं दी एक वहां से जहाँ उतरते हैं एक वहां पर किसी चट्टान में कहते हैं ये चट्टान है इसका महत्व ये है कि कोलंबस जब आया था तो सबसे पहला कदम उसने इस चट्टान पर रखा था ये इतिहास का सबसे। और यहाँ पर 300 साल की चीज को समझा जाता है ये तो भाई यदि महीना अग्रणी महीना हमारे यहाँ तो 5,000 साल का 4,000 साल 7,000 साल ये वो पुरानी जो कुछ परंपराएं हैं उन परंपराओं को यदि हम याद करें तो हमें लगेगा कि अपने राष्ट्र की कोई जीवन शैली थी कोई आदर्श थे कोई जीवन के सिद्धांत थे जिन्होंने आज तक हमें अपने जीवन में धारण करने का मौका मिला। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आज जो जिन वेद मंत्रों के गायन से आज हमारे बेटियों और बेटों के विवाह होते हैं उन्हीं वेद मंत्रों के गायन से राम और सीता का विवाह हुआ था जब महाराज जनक के धनुर्यज्ञ में जाकर श्री राम ने धन मांग किया था। ये वहां से जो आज तक एक सातत्य है हमारे जीवन के सिद्धांतों का हमारे आदर्शों का हमारे जीवन के मूल जो ग्रंथ हैं उनका उनको हम एकदम से नकार देंगे तभी हम कह सकेंगे कि आज हमारा कोई राष्ट्र नया बन रहा है। ये बात ठीक है कि ये जो राष्ट्र तब से शुरू हुआ राष्ट्रीय जीवन शुरू हुआ इसमें ये नहीं है कि वही के वही वोट अपने आप को शामिल करते गए हैं इसलिए कहीं झगड़ा के इंतजार करने की नौबत नहीं आई। हम जो सिर्फ धर्म समभाव की बात कहते हैं ये लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब है हिंदू धर्म फिर बाकी जिम्मेदारियां हो तो फिर एक इस्लाम एक ईसाई धर्म। धर्म नाम अगर धर्म शब्द हम लेते हैं तो धर्म शब्द का अर्थ मत या पंथ या संप्रदाय नहीं है। धर्म का हम लोग तो बहुत बार याद करते हैं कि धर्म के लक्षण क्या है धृति क्षमा ब्रह्म अत्येय शौच इंद्रिय निग्रह सत्य व क्रोध दशकम धर्म लक्षण ये सत्य धैर्य क्षमा धृति ये सब जो लक्षण है ये धर्म के हैं इनसे मिलकर धर्म बनता है। हमारे सरकार के उसमें धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय कौन से धर्म का क्या इस्लाम या ईसाई धर्म या जिसको हम वैदिक या सनातन धर्म या आर्य समाजी या गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह प्रणीत ये धर्म इस रूप में कहा जाता है वो धर्म का अर्थ वो नहीं है। और इसलिए हम लोग उससे भाग नहीं सकते हट नहीं सकते कि धर्म की कल्पना यहाँ पर मनुष्य का जो एक स्वभाव है मनुष्य की जो एक जिसको कहेंगे कि आवश्यक अनिवार्य प्रकृति है जिसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता ये जो हैं यदि हमारे धर्म की कल्पना है तो हम इस धर्म की कल्पना को भूल करके ये कहने लग गए कि हम सब जो आए हैं मत मतांतर वो सब मिलेंगे मिलने को तो हिंदू धर्म में बहुत मत मतांतर आते रहे मिलते रहे और वो सब हमारे जीवन की शैली का अंग बन गए। लेकिन अभी तक हमने अपने राष्ट्र के स्वरूप को नहीं समझा अपनी भाषा को एक नहीं कहा और इस भाषा की सारी दुविधा के कारण
हम जो अंग्रेजी में सेकुलर शब्द मिला, हम उस सेकुलर शब्द को हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और इस रूप में स्वीकार करने लग गए। मित्रों, समभाव सब संप्रदायों के लिए, सब तरह के विचारधारणियों के लिए, वैसे ही समभाव जैसे अद्वैत के लिए, विशिष्ट अद्वैत के लिए, द्वैत के लिए, जो कुछ अपने जीवन के शैलियों के दर्शन के रूप में अनेक ऋषियों ने कहा, उन सब के अंदर वही एक तत्व रह सकता है, वही एक ब्रह्म है। इसको अगर हम स्वीकार कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हर क्यारी के अंदर अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि एक ही फूल ठीक है, बाकी सात फूल जो है वह नष्ट करने योग्य हैं। स्वर निकलते हैं संगीत के, एक ही स्वर ठीक है, बाकी सारे नष्ट करने योग्य हैं, ये कोई नहीं कह सकता। फल हैं, कौन से फल में माधुर्य ज्यादा है, हजारों किस्म के, मुझे तो बताया गया 500-700 किस्म के तो केवल आम हैं। कोई कहे जी आम ही एक अच्छा फल है, बाकी सब नहीं, ये दृष्टि हमारी नहीं है। इस वास्ते हम लोगों के जीवन की अगर कोई एक मूल धारा रही है तो ये रही है, पर इस मूल धारा को हम अपनाते मानते और कहते कि ये हमारी जीवन धारा है, ये हमारी भाषा है, ये हमारा नाम है और इस सिद्धांत पर हम चलेंगे, शायद धीरे धीरे हम अनुभव करेंगे कि यही वास्तव में तथ्य है और ये हमारे जीवन में आता जाएगा। परंतु तब तक इतिहास ने जो कड़वाहटें पैदा कर दी, जो कई तरह के हमारे अंदर झगड़े होते रहे, उन सबको थोड़ा सा पचा करके और अपने जीवन के वास्तविक तत्वों को फिर से अंगीकार करना होगा। मुझे नहीं पता ये सब बातें आज कहने की थी कि नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये तो एक फालतू का व्यक्ति आप खड़ा करेंगे ला करके, तो वो क्या करेगा क्या कहेगा इसके बारे में आपको कोई निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि साहित्य हमारे देश की छवि को निखारने वाला होता है और उस साहित्य में आज लेखक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेखकों की समस्याएं हैं, बहुत बार प्रकाशकों के साथ समस्याएं आती हैं, रॉयल्टी नहीं मिलती, प्रकाशक कितना छापते हैं बताते नहीं, छापते ज़्यादा हैं बताते कम हैं, और जो कुछ कम छपाए उसका भी चेक आने में न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन आज ये तो सारे हमारे जीवन के मूल्य जो घिस रहे हैं, टूट रहे हैं, विकृत हो रहे हैं, उसका परिणाम है। जीवन के मूल्य सभी जगह पर विकृत होते दिखाई देते हैं। जीवन का कौन सा पहलू है यहाँ पर के लोग सजे हों, यहाँ पर के लोगों के अंदर कपट नहीं आया? आज तो भाई भाई के अंदर इस तरह का वैर है कि लगता है कि हम सब लोग पता नहीं कितना नीचे और गिर जाएंगे आने वाले समय में। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये स्वीकार करें कि अपने नैतिक धरातल को ऊंचा किए बगैर हम लोग कोई अपना भविष्य संवार नहीं करेंगे। नैतिक धरातल में सब आएंगे, लेखक भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, सरकारी कर्मचारी भी आएंगे, हमारे कीर साहब और शर्मा जी जैसे, और बाकी सब जगह स्थानों में जो मंत्री हैं वो लोग भी आएंगे, राजनीति वाले भी आएंगे, जो राजनीति से दूर संन्यास लेकर बैठे हैं वो सब भी समाएंगे। कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा रखेंगे, इसके आगे हम अपने आप को नीचे नहीं ले जाएंगे, जो कुछ करेंगे इस रेखा के अंदर रह करके करेंगे। ये सब अगर हम रख सकें तो हमें दिखाई देगा कि फिर दोष सभी में है। अगर लेखकों में दोष नहीं, लेखकों को कभी कष्ट उठाना पड़ता है तो ऐसे भी लेखक हैं कि जो रॉयल्टी के नाम पर लाखों रुपया लेकर के बैठ गए और पांडुलिपि के नाम पर और ठेंगा दिखा दिया, अखबारों में छपते हैं उनके किए, बड़े इतिहास के मूर्धन्य और ऐसे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, लेकिन उनका जो अगर वर्णन पढ़ने को मिलता है तो लगता है भाई इन्होंने क्या किया। इसी तरह से आखिर साहित्य किस तरह का बनता है, मुझे याद है कभी कभी एक प्रकाशक से बात करने का मौका मिला, वो कहते हैं सब आजकल तो लोग साहित्य ऐसा चाहते हैं कि जो किताब रेलवे के बुक स्टॉल पर ली और 3-4 घंटे के सफर में पढ़ करके वहीं छोड़ करके चले गए, तो ऐसी किताबें लिखे कोई, हम तो इसी तरह की किताबें छाप सकते हैं क्योंकि पैसा ब्लॉक कौन करे, पैसे को रोक कौन दे। अब वैसे देखा जाए तो अगर रॉयल्टी ही लेने के लिए लिखना हो तो फिर तो इस तरह की पुस्तकें लिखने के लिए गुंजाइश बहुत है। अभी राष्ट्रपति क्लिंटन की कथा लिखने के लिए, सारे तथ्य बताने के लिए $5 मिलियन का एक ऑफर जो श्रीमती मुनिका है उनको दिया गया है, $50 लाख उनको मिल जाएंगे कि सारी गाथा जो है वो बिल्कुल अक्षरशः जैसी है वैसी की वैसी बता दो। तो लेखक को इससे बड़ा मौका क्या चाहिए
रॉयल्टी ही कमानी हो तो। इसी तरह से किसी भी एक लेखक को यदि सिर्फ रॉयल्टी कमाने का ही नशा है तो फिर तो उसके वास्ते कितना कूड़ा करकट वो लाएगा, ऐसा कूड़ा करकट भी कि जिसमें मनुष्य को शर्म आने लगे, बच्चों को, बच्चों के सामने वो किताब ना आए यही सोचना पड़ेगा वक्त। तो कोई ये कहे कि भाई बच्चों के सामने किताब ना आए, लेकिन आखिर जीवन की वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकताएं बहुत हैं, लेकिन कुछ वास्तविकताएं ऐसी हैं कि जो धरती के नीचे छिपी रहें तभी जीवन सुरक्षित रहता है। फूल बाहर चमकते हैं लेकिन फूल तभी ठीक खिल सकता है, सुगंध दे सकता है, मिठास उसके अंदर प्रकट हो सकती है जब जड़ें धरती के नीचे छिपी रहें और वो जड़ें स्वच्छ रहें। उनका रूप सुंदर नहीं होता, उन जड़ों को खींच करके कोई बाहर देखोगे तो वो सुंदर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनके आधार के ऊपर जो सौंदर्य है जीवन का वो निखरता है, वो फल सकता है, वो फूल सकता है। हम लोग अगर जीवन के उन ऐसे भेदों को भी, ऐसे विधाओं को भी, ऐसे तथ्यों को भी जो कि धरती के अंदर छिपे हुए, रहना आवश्यक है, आवश्यक है रहना, उसके बगैर जीवन नहीं बनेगा, लेकिन कैसे उतना ही बाहर आए जो कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि काम जो है, काम को निंदा करना इस देश की संस्कृति ने नहीं सिखाया, लेकिन काम के बारे में क्या कहा श्री कृष्ण ने, कहा कि धर्मा विरुद्धो काम, उसमें जो धर्म के अविरुद्ध है, जो धर्मानुकूल काम है वो मैं हूं। आप काम की बिल्कुल निंदा करते रहे, कहें कि काम, तो काम नहीं अगर होगा तो जीवन चलेगा कैसे, समाज की संतान उत्पत्ति कैसे होगी। लेकिन अगर उसको खुली छूट दे देंगे, स्वच्छंदता के तौर पर उसको खुला छोड़ देंगे बेलगाम, तो फिर जीवन का क्या हाल होगा, जिस तरह का स्वरूप आज आपको विदेशी पश्चिमी देशों की संस्कृति में जीवन में दिखाई देता है। अब उनको रूस में भी जिनका सिद्धांत कम्युनिज्म का ये चला था कि भाई ये सब मैरिज, विवाह, परिवार, ये सारी जो है बुर्जुआ कल्पनाएं हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। विवाह क्या है, दो भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो व्यक्ति मिलते हैं, ये आवश्यक है, नैसर्गिक निमक है, थोड़ी देर के लिए वो मिले उसके बाद वो अलग हो जाए, कोई जरूरत नहीं है उनको इकट्ठा रहने की। ये धारणा लेकर के जो चले थे उन्होंने देखा उसका अंत किस तरह से हुआ, फिर उन्होंने इस तरह के स्वैराचार को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता समझी। मित्रों, मैंने पहले भी कहा कि ये सारा कुछ जो है लेखकों को बताने की जरूरत नहीं, खास करके जिन लेखकों का सम्मान हमने किया है उनसे तो हमको बहुत कुछ सीखना है, ग्रहण करना है। आज अपने जीवन की कुछ वास्तविकताएं हैं, कुछ आदर्श हैं, उन आदर्शों की ओर इशारा करने की मेरी इच्छा थी कि हम अपने साहित्य में उनके दिव्य रूप को प्रकट करें, और वो दिव्य रूप ऐसा हो जो सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीन कसौटियों के ऊपर पूरा उतरे। मुझे आशा है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे देश में इस तरह का साहित्य पनपे, लोगों की रुचियां भी उसके अनुकूल बने, और जो साहित्य सृजन आज जैसे हमारे माननीय लेखक बंधु कर रहे हैं उस साहित्य के लिए सब लोगों में प्यास बढ़े, सब लोग उसको खरीदें, पढ़ें, ताकि हमारा सारा जीवन अपनी शुद्ध धारणाओं के अनुकूल चल सके। मैं बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश लेखक संघ का, इसके अध्यक्ष, इसके दूसरे जो पदाधिकारी हैं उन सबका, और आप सबका, कि जिन्होंने मुझ जैसे असाहित्यिक व्यक्ति और जो लेखक भी कहने के लिए कोई बहुत बड़ा अपना अधिकार नहीं समझ सकता उसकी बातें सुनने के लिए आपने इतना समय दिया, इतना धीरज रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा सम्मानित हमारे साहित्यकार बंधु देवी और सज्जनों, जोशी जी ने मुझे कहा कि राज्यपाल महोदय ने एक घंटे का समय दिया है, लेकिन मुझे धन्यवाद देने के लिए न जाने किसने गलती से खड़ा किया। मैं कवि भी हूँ और नेता भी हूँ, अगर मैं कविता पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप विश्वास कीजिए राज्यपाल महोदय जाएंगे नहीं। मैं उनकी सादगी और सरलता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं धन्यवाद के साथ, मुझे याद आ रही है रामावतार त्यागी की वो लाइनें जो साहित्यकारों के लिए उन्होंने कही थी कि मेरी हस्ती को तौल रहे हो तुम, है कौन तराजू जिसमें तोलोगे, मैं दर्द भरे कुछ गीत बनाता हूँ, मेरी बोली कितने में बोलोगे। साहित्य बनाते हैं, और ये हमारे लिए वाकई में शर्म की बात है कि आज़ादी के 50 सालों बाद भी हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दुष्यंत की वो लाइन मुझे याद आ रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है
कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन ये आग गरीब के झोपड़े न जलाए, ये आग दूसरे धर्म के लोगों को न जलाए। हमें सब धर्मों का और सभी धर्म के साहित्यकारों का आदर और सम्मान भी करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं अपनी कविता सुनाना शुरू कर दूंगा तो राज्यपाल महोदय नहीं जाएंगे, इसका तो मुझे विश्वास है, और साहित्यकार को इतना विश्वास होता है। मुझे कहा एक घंटे का समय दिया है, मैंने कहा भाई एक घंटा जनता के लिए तो एक घंटा कवियों के लिए देते, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नेताओं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के लिए अपरिहार्य कारण हमेशा आ जाते हैं। हो सकता है आज वो लेट हो जाए। मैं पुनः लेखक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी इन पंक्तियों के साथ कि आदमी के दर्द को हम गीत में गाते, स्वाभिमानी है बहुत झुक नहीं पाते, पद प्रतिष्ठा या कि सत्ता हमको नमन करते और प्यार के दो बोल पर नीलाम हो जाते। आइए इस कटुता भरे समाज में हम प्यार का दीप जलाएं और अपने प्यार को बांटें। धन्यवाद। पिलाया, सोचा सांप के दांत निकालकर आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पेट का जरिया बनते हैं। काश आदमी के भी कोई ऐसा दांत होता जिसे निकालकर आदमी आदमी के भरोसे निश्चिंत होता। और एक और छोटी सी अंतिम कविता तुलसीदास जी से क्षमा चाहते हुए। तुलसीदास, अच्छा हुआ तुम्हारे जमाने में कोई नेता ना हुआ। तुलसीदास, अच्छा हुआ तुम्हारे जमाने में कोई नेता ना हुआ, वरना हर्षद मेहता स्कैम कांड, मारुति कांड और जैन हवाला कांड की तरह तुम्हारे सातों कांडों की जांच करवा देता। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जो 1100 रुपए मिले वो सागर के दो बीमार गरीबों को दे दिए जाए, तो मैं उनको चाहूंगा वो राज्यपाल महोदय से। धन्यवाद। और मैं शर्मा जी, आज सम्मानित होने वाले साहित्यकार बंधुओं श्री शरद पगारे जी, राजीव लोचन जी, जगदीश तोमर जी, नागर जी, आदरणीय श्री विठ्ठलभाई पटेल जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, हर वर्ष पिछले 1994 से लगातार हमारा लेखक संघ अक्षर आदित्य सम्मान आयोजित कर रहा है, और यह अक्षर आदित्य सम्मान हर वर्ष अपनी एक अलग पहचान कायम करता जा रहा है। 94, 95, 96, 97 और फिर आज 98 का अक्षर आदित्य सम्मान समारोह आपके सामने है, और जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति से हमारे इस आयोजन की काफ़ी गरिमा बढ़ी है। अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि मंत्री महोदयों और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से निश्चित रूप से हमारा अक्षर आदित्य सम्मान की और भी ज़्यादा इसकी महत्ता बढ़ी है। मुझे बड़ी खुशी की बात ये खुशी है कि अभी तक हम 24 साहित्यकारों को सम्मानित कर चुके हैं और 5 आज ये हैं। 29 प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम साहित्यकार जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचनाओं से प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, उनको हम अपने साधनों से मतलब हम लेखकों की ये संस्था है और कोई ऐसे लेखक भी नहीं है कि जिनको खूब रॉयल्टी मिलती हो या खूब काफ़ी इनकी मिलकी अपनी स्वयं की कोई संपत्तियां हों, लेकिन इसके बावजूद भी Bye.
हम महामहिम स्नान करेंगे, आप सब लोग अपने स्थान पर रहें, इसके बाद आप लोग यहाँ। उपस्थित अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया स्थान